हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा क्रिएटिव सोचते हैं, जो थोड़ा हट कर काम करना चाहते हैं। आजकल बहुत सारा चीज़ें ना बदल गई हैं, लाइफस्टाइल बदल गया है और बड़ी सारी चीज़ें जो पारंपरिक थी उनमें थोड़ा सा आधुनिकीकरण जोड़ने के साथ ही उन चीज़ों को कह सकते हैं कि उसकी परंपरा भी बरकरार रखी गई है और साथ ही साथ उसमें थोड़ा सा मतलब मसाला डाल दिया गया है वेस्टर्नाइजेशन का, जिससे कि वो चीज़ और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। तो आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का ये वीडियो है कि गिफ्ट बास्केट सजाना जो बिजनेस होता है वो आप कैसे शुरू कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके टिप्स को समझने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहेंगे। तो चलिए आज आपको बताएंगे कि कैसे आप गिफ्ट बास्केट सजाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ग्रामीणों से लेकर शहर तक बहुत सारे ऐसे भी कारोबार हैं जो कम पढ़े लिखे या अशिक्षित लोग भी कर सकते हैं। उन्हीं में से एक है टोकरी बनाने का व्यवसाय। टोकरी बनाने का कार्य काफी प्राचीन है। इसका इस्तेमाल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जो कि अनाज और जानवरों को खिलाए जाने वाला चारा, घास, भूसा, पराली ढोने का काम आता है। इसे टोकरी या खांची भी कहा जाता है। इसको बनाने के लिए विशेष रूप से बांस का प्रयोग किया जाता है। टोकरी बनाने की विधि और कैसे बनाएं भारत को आत्मनिर्भर, इसके बारे में इस वीडियो पर आप देख सकते हैं और इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टोकरी के प्रकार और इस्तेमाल। पहले के समय में लोग सिर्फ बांस की टोकरी बनाते थे, जिसे सामान ढोने या रखने के साथ धार्मिक कामों के लिए प्रयोग किया जाता था। मगर बदलते वक्त के साथ उपहार टोकरी व्यवसाय भी तेजी से फैल रहा है। उपहार टोकरी का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। विशेषकर इसका उपयोग सालगिरह, वैलेंटाइंस डे, जन्मदिन, क्रिसमस, नए साल का शुभारंभ, शादी विवाह समेत अन्य शुभ अवसरों में किया जाता है। गिफ्ट रखकर या फल रखकर उपहार देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्रिसमस और अन्य शुभ अवसरों पर उपहार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टोकरी बहुत ही आकर्षक और सुंदर होती है। ये टोकरी छोटा, बड़ा और सामान्य रूप से कई साइज से होती है, जो कि लोग अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करते हैं। टोकरी बनाने के लिए जगह और सामग्री, किसी भी व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थान का होना अति आवश्यक है। मगर आपको बता दें कि टोकरी बनाने के लिए आपको बहुत अधिक जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस काम को आप अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। इस व्यापार का आप एक सामान्य कमरे में भी सफलतापूर्वक संचालन कर सकते हैं। टोकरी बनाने का कार्य लचीली सामग्री से किया जाता है। इसके लिए बांस का प्रयोग करते हैं। एक बड़े बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसे पतले आकार में तब्दील किया जाता है, जिसे आसानी से बुनाई की जा सके। इसके साथ ही पाइन स्टॉक, पशु के बाल, घास और धागे का भी प्रयोग किया जाता है। स्वदेशी लोग अपनी टेक्निक के कारण टोकरी बनाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। टोकरी बनाने की आवश्यक सामग्री: गिफ्ट बास्केट या बॉक्स, श्रिंक रैप्स, रिबन, बोफ्स, रैपिंग पेपर, लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट, सजावटी सामान, ज्वेलरी पीस, पैकिंग सामग्री, स्टिकर, गिफ्ट कार्ड, फैब्रिक पेस, लिनन, पतला तार, कैंची, वायर कटर, मार्कर, पेपर श्रेडर, कार्टन स्टेपलर, होल पंचर, गोंद, टेप आदि। ये लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। टोकरी बनाने में लागत और मुनाफा। टोकरी बनाने के लिए विशेष रूप से बांस की आवश्यकता होती है। बांस की कीमत बाजार में लगभग 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक आती है, जिसे आप किसानों से सीधे रूप में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन भी बांस खरीद सकते हैं। टोकरी बनाने का काम एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है। यदि 2 से 3 लोग मिलकर इस कार्य को करते हैं तो काम जल्दी होगा और व्यवसाय में मुनाफा होगा। इस बिजनेस में पाए सरकारी सहायता। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा लगातार खुदरा कारोबारी और स्वरोजगार करने वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से देश के 3 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। योजना विशेषकर स्वरोजगार करने वालों और अन्य कारोबारियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है, जिसमें 60 वर्ष की आयु पार होने के बाद कारोबारी या उसके परिवार को 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगी। टोकरी का कारोबार के लिए लाइसेंस। ये बिजनेस किसी भी प्रकार से प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाता, इसलिए ऐसा कोई भी व्यवसाय जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए किसी भी प्रकार की परमिशन, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती। परंतु हर राज्य, जिले, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि के बिजनेस करने के नियम अलग हैं। इसलिए बिजनेस करने वालों को अपने इलाके से जुड़े बिजनेस नियमों के बारे में जान लेना आवश्यक है। टोकरी का कारोबार के लिए रजिस्ट्रेशन। किसी भी व्यवसाय को कानूनी रूप देने के लिए और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायताओं को हासिल करने के लिए व्यवसाय के रजिस्ट्रेशन अति आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। इसके लिए MSME या संबंधित कारोबार की वेबसाइट पर जाकर OTP जनरेट करने के बाद
आधार नंबर, व्यवसाय का नाम, कारोबार के संबंध में अन्य जानकारियां देनी होंगी। इन दिनों भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एक विशेष भूमिका बनाई है, जिसके चलते एमएसएमई को जीडीपी में भी हिस्सेदारी बढ़ी है। गिफ्ट बास्केट और टोकरी के बिजनेस में टारगेट मार्केट क्या होगा? इस बिजनेस के ग्राहक व्यक्ति या कंपनियां हो सकते हैं। जहां पहले इस तरह की चीजों में केवल महिलाएं ही रुचि दिखाती थी, तो वहीं अब अधिकतर लोग गिफ्ट देने के लिए तरह तरह की टोकरियां लेना पसंद करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज और छोटे छोटे उद्योग वाले भी अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट, सालगिरह गिफ्ट आदि को बास्केट में सजाकर या पैक करके देना पसंद करते हैं। हालांकि व्यक्ति और कॉर्पोरेट क्लाइंट की पसंद में काफी अंतर आता है। यदि आप अपने बिजनेस को बेहद सफलता देना चाहते हैं, तो आपको बास्केट में नई नई मॉडर्न डिजाइंस ढूंढने पड़ेंगे, अपनी कलाकारी दिखानी पड़ेगी। अपने बिजनेस को स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप फंड की ओर ले जाएं। यदि आप अपने बिजनेस को घर से शुरू करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बिजनेस में बहुत अधिक खर्च नहीं आएगा। दुकान का किराया, बिजनेस लाइसेंस आदि का पैसा आप बचा लेंगे। लेकिन यदि आप अपने इस बिजनेस को बेहद बड़े पैमाने पर शुरू करते हैं, तो आपको अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में आवश्यक है कि आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप इंडिया के तहत शुरू करें और सरकारी मदद दें। आप अपने बिजनेस के लिए स्टार्टअप फंड भी ले सकते हैं, अपने बिजनेस में पार्टनर्स भी बना सकते हैं। गिफ्ट बास्केट बनाने की सामग्री के लिए थोक विक्रेता से डील करें। इस बिजनेस में आपके काम की सबसे आवश्यक चीजें हैं टोकरी बनाने का सामान। ऐसे में यदि आप किसी ऐसे थोक विक्रेता से डील करते हैं जो आपको होलसेल का सामान उपलब्ध करा दे, तो ये आपके लिए कम लागत में निकल जाएगा और ये आपको अपने बिजनेस के लिए अवश्य करना चाहिए। अपने बिजनेस की मार्केटिंग करें। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए आवश्यक है बिजनेस प्लान। इसी तरह से बिजनेस को घर घर पहुंचाने के लिए आवश्यक है बिजनेस का प्रमोशन। यदि आप चाहते हैं कि आप बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, तो इसके लिए बेहद जरूरी है बिजनेस का मार्केटिंग प्लान। आप अपनी टोकरी को जगह जगह बांटें, लोगों से अपनी डिजाइन के बारे में बात करें, फिर उन्हें अपने सैंपल दें जिससे वो आपको ऑर्डर दे सकें। आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके लिए आपको ये तय करना होगा कि आप होलसेल में बेच रहे हैं या फिर इक्का दुक्का बेच रहे हैं। आप टोकरी बनाने का ऑर्डर लेने के लिए कंपनीज में जाकर प्रचार कर सकते हैं, पोस्टर, बैनर, विजिटिंग कार्ड आदि भी बनवा सकते हैं। हमें पूरा यकीन है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस व्यवसाय को कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपके मन में शंका है या फिर कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।